जालौन के थाना गोहन क्षेत्र के ग्राम राजपुरा में बालू से लदे ओवरलोड डंपर अचानक पलटा, एक बड़ा हादसा होने से टला। आपको बता दें कि राजपुरा में मेन रोड पर एक डंपर जिसमें बालू अधिक लदी हुई थी जो खाली करते समय अचानक पलट गया, जिसमें दो मोटरसाइकिल उसके नीचे दब गई। जिस पर मोटरसाइकिल मालिक बैठा था उसने डंपर को गिरते हुए देखा, वे तुरंत मौका पाकर भाग खड़ा हुआ, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि ग्राम जमरेही में बंदर बाबा के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु आकर राजपुरा ग्राम में रुक जाते हैं। वहीं पर खड़ा हुआ ट्रक जो बालू खाली कर रहा था अचानक ट्रक पलटते देख लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते डंपर चालक मौका देखकर फरार हो गया। अंसार खान नबीपुर निवासी और राम कुमार जलौन निवासी, जिनकी मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे दबी है। अंसार खान को अभी शादी में अपाची 180 मिली थी, जिसका पूजन बंदर बाबा के मंदिर में कराकर लौट रहा था। राम कुमार एचएस लव्स बंदर बाबा के दर्शन करके लौट रहा था। लोगों का कहना है कि ये सब बंदर बाबा की महिमा का ही नतीजा है कि युवक बाल बाल बच गए। इतना सब कुछ देखते हुए पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग क्यों चुप्पी साधे हुए बैठा है, जो लगातार मोरम से लदे ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं? अगर यह हादसा बड़ा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? न्यूज फ्रीडम के लिए जालौन से उमा शंकर की रिपोर्ट। अब आपका न्यूज फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर व उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर लॉगिन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज फ्रीडम चैनल, और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबरों के लिए।